नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 76% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान। समारोह का आयोजन शहर के एक मैरिज हॉल में एक इंटर कॉलेज के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और विशिष्ट अतिथि प्रभुदत्त दीक्षित अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बिजनौर में जिम्मेदार अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगा है। आरोप है कि नारनौर हस्तिनापुर पुल घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से घंस गया। आपको बता दें कि पहले भी नारनौर हस्तिनापुर पुल कई लोगों की मौत का कारण बन चुका है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग चलाए जा रहे हैं। इसी दिशा में काम करते हुए पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। झांसी में तहसील दिवस को लेकर एसएसपी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही एसएसपी ने महिला हेल्प डेस्क जाकर रजिस्टर को भी चेक किया। इसके बाद क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन को भी चेक किया। मुरानीपुर में तहसील सभागार तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी ने। इस मौके पर राजस्व अतिक्रमण सेक्टर की नाप आवास जैसे प्रार्थना पत्र को लेकर निर्देश जारी किया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि बड़े ही जोर शोर के साथ मनाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके चलते अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़ के अलावा अन्य जिलों से भी लोग कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोक दल के जिला मुख्यालय पर पहुंचे युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष आसिफ चौधरी का रालोद के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। यहां पहुंचकर युवा के क्षेत्रीय अध्यक्ष आसिफ चौधरी ने युवाओं से संवाद कर 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने की बात कही। एटा में पुलिस ने फार्मासिस्ट की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने प्रकरण में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया था। अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संस्तुति पर महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह द्वारा समाजवादी पार्टी महिला सभा में पूर्व विधायक सतीश जतारिया की मनीला सिंह कोरी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।